सऊदी अरेबिया एक्सप्लोर करते हुए मैं हूं शहाब और मैं हूं समीन। और आज हम आपको लेके चलेंगे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जिनकी ब्रांचेस ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बारबेक्यू ट्यूनाइट की। और साथ में होगी हमारी फैमिली। और बारबेक्यू ट्यूनाइट के बाद हम लोग जाएंगे पार्क में, जहाँ पे करेंगे खूब मस्तियाँ। अस्सलाम वालेकुम। और आज हम लोग जा रहे हैं बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में बारबेक्यू ट्यूनाइट। तो चले हम। Giving you time so you can make the best of life and here gives you paradise if you want to. और इंस्टाग्राम में आपने देखा होगा कि मेरा भांजा ये उसकी साइकिल है सैम की, वो भी हमारे साथ आ रहा है। तो आई बहुत ही एक एक्साइटिंग सफर होने वाला है। और फैमिली के साथ जब आप जा रहे होते हैं तो प्लान्स चेंज होते रहते हैं। इस तरह हमारे साथ भी हुआ, जाना कहीं और था लेकिन जा कहीं और रहे। एनीवेज हम जा रहे हैं बारबेक्यू ट्यूनाइट। बारबेक्यू ट्यूनाइट के बारे में आपको बताता जाऊँ, ये एक इंटरनेशनल ब्रांच है रेस्टोरेंट्स की। और इनकी सिंगापुर, ओमान, दुबई और पाकिस्तान में भी ब्रांचेज हैं। और हाल ही में इन्होंने यहाँ सऊदी अरेबिया में भी अपनी ब्रांचेज खोली है। और मेन ऑफिस इनका कराची में है। तो चलिए देखते हैं कैसा है। माशाल्लाह एक अच्छा स्टेप है इनका। ये पाकिस्तान का बड़ा मारूफ है ये। और दूसरा ये कि इसकी ब्रांच जद्दा में भी है, अभी रियाद में भी है। और इनकी खूबी ये है कि ये एक शहर में एक ही ब्रांच देते हैं। और माशाल्लाह स्टैंडर्ड इनका बड़ा मेंटेन रखते हैं। और एक हमारे पाकिस्तानी के लिए एक फख्र है कि हमारी एक पाकिस्तान की ब्रांच है जो पूरी दुनिया में पॉपुलर है। और माशाल्लाह अच्छा इनका सेटअप है। अल्लाह इनको और तरक्की दे। तो ये आ गया है हमारा बारबेक्यू ट्यूनाइट। ये आता है तकरीबन शुफा जाते हुए, और बल्कि शुफा के अंदर ही है, शुफा रियाद। और इजीली आपको इसकी लोकेशन भी गूगल मैप से मिल सकती है। तो ये है रेस्टोरेंट बारबेक्यू ट्यूनाइट। बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। फाइनली हम लोग आ गए हैं बारबेक्यू ट्यूनाइट में। और काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है बाहर से, तो अंदर से भी आपको दिखाते हैं। और इसके साथ भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं। और ये शुफा, जैसे मैंने आपको बताया, शुफा एरिया रियाद में आता है। और आए देखते हैं अंदर। और ये जेंट्स सेक्शन है, फैमिली सेक्शन ऊपर है और ये जेंट्स सेक्शन है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए हाइजीन और क्वालिटी का पूरा ख्याल रखता है। और इसकी जो ब्रांचेस हैं वो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। सो आई रिकमेंड कि आप सब लोग पाकिस्तान में अपने अपने शहरों की ब्रांचेस में ज़रूर जाएं, ताकि आप लोग भी सेम टू सेम बिल्कुल आ सकें। और खाना यहाँ पे लगा ज़रूर हुआ है, लेकिन जो इनकी सर्विंग है वो टेबल पे हो रही है। ड्यू टू आपको पता है क्या मसले मसाइल हैं, आई कैन नॉट से, क्योंकि यूट्यूब जौन सा है उसको पकड़ता नहीं है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और ये जो खाना है ये आपकी टेबल पे सर्व होता है बिल्कुल हाइजीन, क्वालिटी और स्टैंडर्ड को मेनटेन रखते हुए। और प्लीज़ जब भी आप आएँ तो थोड़ा सा कंट्रोल, एक एक थोड़ा थोड़ा लेके खाएं भाई। ये नहीं कि अभी शादी में आए हैं आप प्लेटें भर लें। और ये आए तो उन लोगों के लिए जो आते हैं, लालच करते हैं प्लेटें भर के और ऐसे करते हैं भाई, बस सनों मिल जाए खाना, बाकी तुसी लोग मर जाओ। तो ये आपके लिए। और ये प्राइजेस मेंशन है, ये ओपन बुफे होता है लेकिन आजकल नहीं है, थर्सडे से फ्राइडे। और 51 एक अडल्ट का और किड्स का 41 रहा। हमारे साथ हैं जनाब मोहम्मद आफ्ताब। ये माशाल्लाह बारबेक्यू ट्यूनाइट में तकरीबन 10 साल से काम कर रहे हैं। इनसे आए बात करते हैं जी। हमारे पास हैं पाकिस्तानी फूड है, बारबेक्यू ट्यूनाइट एक पाकिस्तान की फेमस रेस्टोरेंट है। और इंशाल्लाह ये वर्ल्ड चैन है। हमारी ब्रांचेज दुबई में है, जद्दा में है, कतर में है, और जद्दा, रियाज, मलाइशिया, सिंगापुर, पाकिस्तान में इसकी तो माशाल्लाह 25-30 ब्रांचें हैं। मेन ब्रांच हमारी कराची में जी सर।
आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे काम का कैसा रहा? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हमारे साथ मिलते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे। और कोई पैगाम हमारे व्यूअर्स को देना चाहिए? हमारा चैनल यूट्यूब पे आता है जी, आप आएँ यहाँ पे ज़रूर हमारे खाने को चेक करें, इंशाल्लाह आपको बेहतर सर्विस मिलेगी, बेहतर खाना मिलेगा और इंशाल्लाह बिल्कुल पाकिस्तानी टेस्ट। और हमारे साथ एक और भाई हैं ज़हीर, इन्होंने बारबेक्यू टुनाइट को यहाँ से यहाँ जाते हुए देखा है, दुबई, कराची और फिर यहाँ पे भी काम कर रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, हम स्टार्टिंग में हम कराची में काम कर रहे थे बारबेक्यू टुनाइट में, और कराची से फिर हम दुबई आए। दुबई हमारा जमेरा वन में है लोकेशन हमारी, शायद आप लोगों ने देखी होगी। और फिर उसके बाद हम जद्दा आए, जद्दा में हमारी लोकेशन है एजिजिया में, फ्लेमोगा मल के अंदर है। और दूसरा ये हमारा रियाज में है, रियाज दीराब रोड हयाल शफा पे है। और माशाल्लाह जहाँ भी हमारी ब्रंच होती है उसका फूड और क्वांटिटी हर चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, और उसमें जो भी कस्टमर आते हैं वो माशाल्लाह उसके बाद फ़ोन पे भी रابطہ करते हैं और हर चीज़ माशाल्लाह बहुत बेहतर होती है। जी मैं तकरीबन सर मेरा एक्सपीरियंस बारबेक्यू टुनाइट कराची में तकरीबन 8-9 साल हमने कराची में किया, और 7 साल हमने दुबई में किया, 6 साल हमने जद्दा में, इन 5 साल हमने जद्दा में किया, और यहाँ तकरीबन हमें 2-3 साल होने वाले हैं रियाज, सऊदी अरब रियाज में। और माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, और मालिकान भी बहुत अच्छे हैं, और हमारा फूड की जो तारीफ है वो तो माशाल्लाह जो भी कस्टमर आते हैं वो बहुत अच्छा आ गया। कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा उस तरह हमने स्पेस दिया हुआ है, बुफे का सिस्टम नहीं रखा हुआ है, बहरहाल इंशाल्लाह थोड़े अरसे के बाद बुफे भी लगाएंगे और फिर दोबारा हमारा वही मॉल स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम जो भी खाना होता है, फूड होता है, सब फूड हम टेबल पर सर्व करते हैं, और जो भी चीज़ बुफे के मुतलका होती है सारी चीज़ें हम टाइम बाय टाइम उसको टेबल पे सर्व करते हैं। माशाल्लाह कस्टमर जो भी आते हैं खुश होकर ही जाते हैं। जी हमारा चैनल है शेख स्टूडियोज, और इसको भी सब्सक्राइब करें, और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा चैनल है हमारा, इसको भी तमाम सुनने वाले सब्सक्राइब करें। और ये वो P4 पकाओ वाला हो गया, सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने, ठीक है? ओके। Okay, so let's try their tikka. It's really soft. It's good. Oof, very good. Very fine. Good tikka. You're the one who thinks, the one who knows. But he's the one who created your mind. माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था खाना, आपने देखा खाना जो है वो टिपिकली जैसे बूफे होता था वैसे तो सर्व नहीं किया, लेकिन टेबल में सर्व किया और अच्छे से सर्व किया था, हाइजीनिक तरीके से, साफ सुथरे तरीके से सर्व किया था, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस। और उसके अलावा ये है कि आप जब भी इधर आएँ तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना आपने खाना है उतना ऑर्डर करें, क्योंकि यहाँ की पॉलिसी है कि आप यहाँ से टेक आउट नहीं कर सकते, तो इसलिए खाना ज़्यादा ना हो इसलिए आप कम कम करके मंगाएं। सो मस्ट कम प्लेस है, ज़रूर आएँ, हमारे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो बारबेक्यू टुनाइट से हम लोग आ चुके हैं और अब हम कहीं जा रहे हैं उस सेम के लिए। सेम वेयर आर वी गोइंग? आई एम गोइंग इन अ पार्क। सी यू इन अ पार्क। सैम के साथ और वो देखें सैम क्या कर रहा है। अभी
पार्क में आए हैं, ये है दारकंद स्वेदी में, और काफ़ी अच्छा पार्क है और उसे हम भी इंजॉय कर रहे हैं। और हम इस पार्क में अक्सर आते रहते हैं, मोस्टली बास्किन रॉबिन की आइसक्रीम खाने या तो फिर चाय या कॉफ़ी पीने खाने के बाद। अच्छा, तो बारबेक्यू टुनाइट का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और वहाँ की जो ग्रीन टी है वो बहुत अच्छी होती है। मुझे नहीं पता कि वो ग्रीन टी सेम टू सेम पाकिस्तान में मिलेगी नहीं वो ग्रीन टी पता नहीं पाकिस्तान में मिलेगी कि नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो लोग डालते हैं जिंजर मिंट एंड इट्स रियली डिलीशियस सम सॉर्ट्स ऑफ ब्लेंड्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स। ओके, तो ये बेसिकली एक वाहिद सोसाइटी है रियाद के अंदर जो गेटेड कम्युनिटी बनाई गई थी, लेकिन फॉर सम रीज़न थोड़ी सी फ्लॉप हो गई क्योंकि गेटेड कम्युनिटी नहीं हो पाई, लेकिन अच्छी सोसाइटी है, थोड़ा सा सेफ्टी कंसर्न है यहाँ पे, तो इसको कहा जाता है दारकंद। तो यहाँ पे अब थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी कि एज़ अ नॉन सऊदी आप यहाँ पर अपना घर ले सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों ने यहाँ पे घर लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी महंगी हैं, रेंट वगैरह महंगे हैं। तो इट्स अ गुड इन्फॉर्मेशन, ये ओनली सोसाइटी है रियाद के अंदर विच इज़ दारकंद, और ये स्वेदी में अंदर है। और इसके साथ हमारे इधर पीछे मॉल भी है जो कसर मॉल के नाम से जाना जाता है, उधर सिनेमा भी है, तो काफ़ी अच्छी जगह है ये। मालदीव सीरीज़ में बहुत अच्छा रिस्पांस था, उम्मीद है कि हमारी नई सीरीज़ में भी अच्छा रिस्पांस आएगा, जो कि व्लॉग्स और ट्रैवल व्लॉग्स का मिक्सचर है। और इसी तरह सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस तरह हमारी हौसला अफजाई होती है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अपनी राय कमेंट से ज़रूर दें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इंस्टाग्राम में फॉलो मस्ट है फॉर लाइव अपडेट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।